बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अजीम अहसन, योर मैथमेटिक्स टीचर। हम कर रहे हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम इसकी तीन टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं, आज हम फोर्थ टाइप पे आते हैं, रेसिप्रोकल इक्वेशन। डेफिनेशन जरा देखें। एन इक्वेशन व्हिच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन एक्स इज रिप्लेस्ड बाय वन ओवर एक्स इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इक्वेशन। बहुत सिंपल, ऐसी इक्वेशन जिसमें आप x को 1 ओवर x से चेंज कर दें, उसमें कोई तब्दीली ना आए, उस इक्वेशन में कोई चेंजिंग ना आए, जब x को 1 ओवर x से रिप्लेस किया जाए, तो ऐसी इक्वेशन कहलाती है रेसिप्रोकल इक्वेशन। नोट, इन सच एन इक्वेशन द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। स्टूडेंट्स, इस बात को समझने के लिए हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं और डेफिनेशन को भी अंडरस्टैंड करते हैं, इस बात को भी हम अंडरस्टैंड करते हैं। आपके सामने एक्सरसाइज 4.2 प्रॉब्लम नंबर 19 लिखा गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखते हैं, यहां पे अगर हम x को 1 ओवर x से चेंज कर दें तो क्या तब्दीली आएगी, यानी कि अगर x को 1 ओवर x से रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या चेंजिंग आएगी इस क्वेश्चन में, ये जरा देखते हैं। शाबाश। हाँ जी, x को 1 ओवर x से चेंज किया गया तो ये आएगा 1 ओवर x स्क्वायर। जी, x की जगह 1 ओवर x लगाएं तो 1 ओवर x स्क्वायर आएगा। यहां पे आप इस x को रिप्लेस कर दे 1 ओवर x के साथ तो ये 1 ओवर x माइनस 4 एज इट एज आएगा। माइनस 4 के साथ कोई x मौजूद नहीं है, इसलिए यहां पे रिप्लेस नहीं किया जा सकता x को 1 ओवर x के साथ। यहां देखें जरा, 1 ओवर x है जी, यहां पे जब आप x को 1 ओवर x से रिप्लेस करेंगे तो वो x जो है वो ऊपर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी कि इस x की जगह जब 1 ओवर x लगेगा तो x ऊपर डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये बनेगा x। सेम इसी तरह इस एक्स स्क्वेयर की जगह जब 1 ओवर x लगेगा तो 1 ओवर एक्स स्क्वेयर, और वो एक्स स्क्वेयर जो है ये ऊपर चला जाएगा डिनोमिनेटर में, प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। अब स्टूडेंट्स आप देखें जरा, ये आई है इक्वेशन जब हमने x को 1 ओवर x के साथ रिप्लेस किया है, और ये वो इक्वेशन है जो रिप्लेस करने से पहले थी। आप जरा देखें दोनों में कोई चेंजिंग है, दोनों में कोई फर्क है। जी, 1 ओवर x स्क्वायर यहां मौजूद, यहां भी मौजूद, 1 ओवर x वाले टर्म यहां मौजूद, यहां भी है, माइनस 4 यहां भी, यहां भी, x यहां भी मौजूद है, यहां भी है, x स्क्वायर यहां भी है, यहां भी मौजूद है। यानी कि ये एक ऐसी इक्वेशन थी जो रेसिप्रोकल इक्वेशन थी, जिसमें हमने x को 1 ओवर x से रिप्लेस कर लिया और उस इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आई है। अब अगर देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 24 को, यहां भी हम x को 1 ओवर x से रिप्लेस करते हैं। इस इक्वेशन में भी हम x को 1 ओवर x के साथ रिप्लेस करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या चेंजिंग आती है। x इसको 1 ओवर x से रिप्लेस किया गया तो ये बनेगा 1 ओवर x की पावर 4 माइनस 6। इस एक्स स्क्वायर को 1 ओवर x से जब रिप्लेस किया जाएगा तो ये बनेगा 1 ओवर x स्क्वायर प्लस ये 10 एज इट एज माइनस ये एक्स स्क्वायर है। यहां पे x को 1 ओवर x से रिप्लेस करें तो ये बनेगा 1 ओवर x स्क्वायर, फिर नीचे जो एक्स स्क्वायर है वो ऊपर चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये आएगा माइनस 6 एक्स स्क्वायर, और यहां पे है x की पावर 4। आप इस x को 1 ओवर x से रिप्लेस करें तो ये बनेगा 1 ओवर x की पावर 4, और वो x की पावर 4 ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये x की पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब आप जरा देखें क्या फर्क है इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में। ये है x को 1 ओवर x से रिप्लेस करने से पहले, और ये है x को 1 ओवर x से रिप्लेस करने के बाद। जरा डिफरेंस देखें, 1 ओवर x की पावर 4 है यहां भी मौजूद है, ठीक है, माइनस 6 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6 ओवर x स्क्वायर बनता है। मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर लेता हूं 1 के साथ तो ये माइनस 6 ओवर x स्क्वायर बनेगा। तो ये देखें माइनस 6 ओवर x स्क्वायर मौजूद यहां भी है, प्लस 10 यहां भी है, माइनस 6 x स्क्वायर यहां भी है, प्लस x की पावर 4 यहां भी है, तो यहां पे कोई चेंजिंग भी नहीं आई x को 1 ओवर x से रिप्लेस करने के बाद। और जरा एक और चीज आप विजुलाइज करें, एक खास बात यहां पे देखें, यहां फर्स्ट टर्म में x की पावर 4
उसका कोएफिशिएंट है 1, यानी कि शुरू से फर्स्ट टर्म एक्स के पावर 4 उसका कोएफिशिएंट है 1, यहां से लास्ट टर्म यानी कि वो लास्ट से फर्स्ट टर्म बनती है, ये शुरू से फर्स्ट टर्म, ये आखिर से फर्स्ट टर्म, और यहां भी इसका कोएफिशिएंट 1, ये शुरू से सेकंड टर्म, इसका कोएफिशिएंट -6, ये लास्ट से सेकंड टर्म, इसका कोएफिशिएंट भी -6। ये खास बात थी इस रेसिप्रोकल इक्वेशन में, और तमाम रेसिप्रोकल इक्वेशन में यही खास बात होती है। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 19 ऑफ एक्सरसाइज 4.2। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द रेसिप्रोकल इक्वेशन। ये एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है और इसे हम सॉल्व करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स याद रखें, हम पढ़ रहे हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ऐसे इक्वेशंस को डिस्कस कर रहे हैं जिन्हें हम रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। हम इसे भी रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे फिर इसे सॉल्व करेंगे। हाँ जी, जरा देखते हैं कि हमने किस तरह इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करना है। थोड़ी सी वर्किंग करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जी शाबाश, सोचें जरा क्या किया मैंने। मैंने थोड़ा सा इस इक्वेशन को रीअरेंज किया है, टर्म्स को रीअरेंज करके लिखा गया। अब हम लेट करने जा रहे हैं x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू y, यानी कि ये आपके पास जो टर्म थी इसे हमने लेट कर लिया है y के इक्वल। अब हम यहां पे बोथ साइड्स पे स्क्वायर अप्लाई करने जा रहे हैं। जी यहां पे स्क्वायर अगर आप अप्लाई करेंगे x प्लस 1 ओवर x होल स्क्वायर आएगा। जी शाबाश, सोचें a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा। कैसे? a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जी यहां भी ऐसे ही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब जरा देखें, a है यहां पे x और b है यहां पे 1 ओवर x। जब हम x और 1 ओवर x दोनों को यहां पे लगाएंगे, यानी कि यहां पे a की वैल्यू x और यहां पे b की वैल्यू 1 ओवर x, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। x x से होगा कैंसिल, 2 1 2। दोबारा यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2 ही बचेगा, इसलिए मैं x और 1 ओवर x को नहीं लिख रहा। तो ये हमने लेफ्ट साइड का स्क्वायर ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर राइट साइड पे है आपके पास y, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा y का स्क्वायर। यहां से हम x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इस प्लस 2 को आप शिफ्ट करें राइट साइड पे तो ये हो जाएगा -2। अब हम वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं इस इक्वेशन में। ये देखें जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू नजर आएगी, वाई स्क्वायर -2, ये वैल्यू मैं यहां पे पुट करने जा रहा हूं, वाई स्क्वायर -2 प्लस, फिर ये देखें एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, इसकी जगह मैं y पुट करने जा रहा हूं, -4 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, इसको थोड़ा सा अगर आप रीअरेंज करें और सिंप्लीफाई करें, y स्क्वायर एज इट एज, फिर उसके बाद y, -4 -2 विच इज -6 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट वेज हैं इसे सॉल्व करने के। शाबाश, आप सोच लें अगर यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो रही है, यानी कि मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, तो हम फैक्टराइजेशन के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। वाई स्क्वायर, जी इस मिडिल टर्म को ब्रेक करें, प्लस 3y -2y -6 इज इक्वल टू 0। मैं अब आपको बहुत दफा सिखा चुका हूं कि मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक किया जाता है। प्लस 3y -2y या प्लस y, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, -6y² आता है। जबकि आप इन दो टर्म्स को भी मल्टीप्लाई करें तो -6y² ही आता है। यहां से कॉमन लिया जाएगा y, यहां से y कॉमन लिया जाएगा, पीछे आपके पास आ रहा है y प्लस 3, यहां से कॉमन लिया जाएगा -2, पीछे बच रहा है y प्लस 3,
दोनों में से देखे क्या कॉमन आ रहा है, y प्लस 3 कॉमन आ रहा है और पीछे बच रहा है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. दिस इंप्लाइज दैट ये दो फैक्टर्स हैं, y प्लस 3, y माइनस 2, दीज आर द टू लीनियर फैक्टर्स. इन दोनों को हमें सेपरेट सेपरेट जीरो की को रखना पड़ेगा. दोनों में वेरिएबल मौजूद है, अगर किसी एक में भी वेरिएबल ना होता हम उसको जीरो के इक्वल नहीं रखते. अब हमें रखना पड़ेगा y प्लस 3 ये जीरो के इक्वल होगा, y माइनस 2 ये भी जीरो के इक्वल होगा. यहां से y की वैल्यू मिली माइनस 3, यहां से y की वैल्यू मिली 2. अब स्टूडेंट्स हमें y की वैल्यूज मिल गई, क्या सॉल्यूशन मिल गया? द आंसर इज नो, नहीं. आपके पास क्वेश्चन में मौजूद है वेरिएबल x, आपको x की वैल्यूज ही फाइंड करनी है. आप जरा सोचें कि इन y की वैल्यूज को हम कहां पे पुट कर लें हमें x की वैल्यू मिल जाए. जी शाबाश, आपके सामने डिफरेंट टर्म्स लिखी गई, आप कोई ऐसा स्टेप फाइंड कर लें जहां पे y पुट हो सके और x की वैल्यू हमें आसानी से मिले. जी आप सोच रहे होंगे कि सर इसे नाम दे दें आप अगर इक्वेशन नंबर 1 का, हम y की दोनों वैल्यूज बारी बारी पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में. एक दफा y की वैल्यू माइनस 3 यहां पे पुट करेंगे तो फिर हमें x की वैल्यूज मिलेंगी, और एक दफा y की वैल्यू 2 हम यहां पे पुट करेंगे और फिर हमें x की वैल्यूज मिलेंगी. जी बिल्कुल हम ऐसा ही करने जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम y की वैल्यू माइनस 3 पुट करते हैं यहां. x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू y, और उस y की जगह पुट किया जाएगा माइनस 3. हम इसे सॉल्व करेंगे, आप देख लें हम यहां पे लिख देते हैं व्हेन y इज इक्वल टू माइनस 3. हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं, आप जरा देखें जब तक ये फ्रैक्शन नहीं खत्म हो जाती हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते. हमारे लिए आसान नहीं होगा सॉल्व करना जब तक हम नीचे से x को ना खत्म कर दें. क्या तरीका है नीचे से x खत्म करने का? हम बोथ साइड्स पे x से मल्टीप्लाई करें. यहां x को x से मल्टीप्लाई करें x का स्क्वायर आएगा, यहां आप x से मल्टीप्लाई करें x से x कैंसिल 1 आएगा, यहां आप x से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा माइनस 3x. x स्क्वायर माइनस 3x आप शिफ्ट कर लें लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 0. नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x. अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. आप इसके पेयर फाइंड करने की जरा कोशिश करें तो आपको नजर आएगा कि मिडिल टर्म को हम ब्रेक नहीं कर सकते. अगर मिडिल टर्म को ब्रेक ना कर सकें फिर हमने यूज करना होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला. एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, जी शाबाश, एक्स के साथ जो भी कोफिशियंट होता है वो बी की वैल्यू होती है. माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर, 3 स्क्वेयर माइनस 4, ए है 1, सी है 1, स्क्वेयर रूट डिवाइडेड बाय 2a और a की वैल्यू आई 1. एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वेयर आया यहां पे 9, माइनस 4 स्क्वेयर रूट 2 1 2. एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 विच इज अंडर रूट 5 ओवर 2. स्टूडेंट्स ये x की दो वैल्यूज हैं, हम और वैल्यूज भी फाइंड करेंगे जब हम y की वैल्यू 2 यहां पे पुट करेंगे. व्हेन y इज इक्वल टू 2, हम यहां पे पुट कर रहे हैं y की वैल्यू 2. x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू y, और y की जगह पुट किया गया 2. x से मल्टीप्लाई कर ले, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x. हमने फ्रैक्शन खत्म करनी थी, फ्रैक्शन खत्म करने के लिए हमें x से मल्टीप्लाई करना पड़ा. x स्क्वायर आप इस 2x को शिफ्ट करें लेफ्ट साइड पे, माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x. आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास अब 3 वेज हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें आप कि यहां पे फैक्टराइजेशन हो रही है या नहीं. जी आप देख रहे होंगे इसकी फैक्टराइजेशन भी हो रही है, मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है. आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं. फिर एक और शार्प वे, बहुत इजी वे, आप सोचे जरा ये किसी चीज का स्क्वायर तो कंप्लीट नहीं हो रहा. जी आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है,
तो ये x माइनस वन का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, यहां से x की वैल्यू आई है वन, ये x की वैल्यूज, इनको लिखा जाएगा सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल आप वन लिख ले, फिर आप माइनस थ्री प्लस माइनस स्क्वायर रूट फाइव डिवाइडेड बाय टू, और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन है।